Assalamu alaikum to all the students. Now proceed towards our next chapter that is related to the session of chemistry, air and atmosphere. Now, first of all, we talk about its introduction. Our Earth is surrounded by a thick layer of air known as atmosphere. You can look in this diagram के बीच में Earth है और Earth के बीच में जो blue से के atmosphere है. बहुत सारी गैसेस आपस में मिलके एयर बनाती हैं और पूरा एयर का हमारी अर्थ को सराउंड किया हुआ है एयर ने, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. सही है. एटमॉस्फेयर का बेसिकली काम क्या होता है कि हमारे अर्थ को के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही होती है, इसको बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा होने से बचाए रखती है. सही है. जो जितनी भी वेदर चेंजेस हो रही हैं वो एटमॉस्फेयर की वजह से हो रही है. इसका एक और काम होता है कि ये एटमॉस्फेयर जो है बेसिकली इट्स फिल्टर द हार्मफुल रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम द सन. ये उसको फिल्टर करता है और सही रेज जमीन की तरफ भेजता है. वी ऑल नो अबाउट द ओजोन लेयर दैट इज प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ. इसका काम क्या होता है कि ये जो डिफरेंट रेज होती हैं जो अर्थ की तरफ बढ़ रही होती हैं सन की वजह से, उनमें से जो सेलेक्टिव रेज होती हैं उन तक, उनको ही अर्थ तक पहुंचाएगा, बाकी रेज ऊपर की तरफ ही एटमॉस्फेयर से बाहर रह जाएंगे. एटमॉस्फेयर से बाहर की तरफ हम निकलेंगे तो हम स्पेस में पहुंच जाएंगे. सही है. अनदर थिंग इज दैट के जो मेट्रॉइड्स होते हैं उनको भी हमारी ज़मीन पे आने से रोकती है एटमॉस्फेयर. बेसिकली एटमॉस्फेयर इज अबाउट 500 किलोमीटर अबव द अर्थ और पूरे एरिया में फैला हुआ होता है. सही है. यहाँ तक बात आई होप सो के क्लियर होगी. नाउ टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एयर. कंपोजिशन में मतलब होता है कि किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी खाने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसके अंदर चावल थे, इसमें जो है नमक था, ये सब ये क्या इसकी कंपोजिशन है. इसी तरीके से एयर किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, वो है क्लीन एयर इज अ मिक्सचर ऑफ 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, 1% अदर गैसेस एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स. व्हाई वी यूज दैट वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, कि वाटर वेपर्स की अमाउंट वेरी क्यों कर रही है, यानी चेंज क्यों हुए चले जा रही है. बिकॉज कभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है या कम होती है, यानी कि हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ी हुई होगी और कभी कम होती है. इस वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है सी के ऊपर, तो क्या होगा, वाटर कन्वर्ट हो जाता है इनटू द वाटर वेपर, तो वाटर वेपर की तादाद ज़्यादा होगी एयर के अंदर. और जब सूरज की रोशनी कम पड़ेगी सी के ऊपर तो वाटर वेपर्स कम बनेंगे और एयर में वाटर वेपर्स कम होंगे. ठीक है. तो इस कंपोजिशन से मालूम ये बात हुई कि 78% जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है एयर के अंदर, यानी इतनी ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन एयर में मौजूद है और ऑक्सीजन सिर्फ 21%. तो नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा क्यों है और हमें हार्मफुल क्यों नहीं होती नाइट्रोजन, है ना, अगर इतनी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है. तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए नुकसान देती है, जब धुआं निकलता है किसी भी चीज़ में से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमें क्यों नहीं नुकसान देगी नाइट्रोजन. तो इसकी वजह आपको आगे भी पता चलेगी, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बता दूँ कि नाइट्रोजन जो है वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होती. ठीक है. अब बात करते हैं कि एयर इज सॉल्युबल इन वाटर. एयर वाटर के अंदर किस तरीके से सॉल्युबल होती है. एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कहते हैं नॉर्मल जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है. पाकिस्तान कराची में 26-27 भी हम कंसिडर कर लेते हैं. रूम टेम्परेचर मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर. ठीक है. लेकिन जो एग्जैक्ट होता है दैट इज़ अ 25 डिग्री सेल्सियस, इट्स अ रूम टेम्परेचर. ठीक. रूम टेम्परेचर पे 100 cm³ ऑफ वाटर कंटेन अबाउट 2 cm³ ऑफ डिजॉल्व एयर. सही है. इफ यू हीट सम वाटर इन अ ग्लास बीकर यू कैन सी दिस वाटर कमिंग ऑफ एज बबल. जब हम पानी को हीट करते हैं किसी भी बीकर में किसी भी उसमें, तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो रहा होता है कि वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है. सही है. बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल रहा होता है. रेस्पिरेशन प्रोसेसेस दैट्स
यूज एयर, और एक्चुअली कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं कि जिनके अंदर एयर यूज हो रही होती है? ठीक है, रेस्पिरेशन, ब्लस्टिंग, फोटोसिंथेसिस एंड कंबस्टन. ठीक है, इन सारे प्रोसेस के अंदर जो है यूज हो रही होती है क्या, एयर यूज हो रही होती है. तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की. रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस के जिसके अंदर बाय विच लिविंग थिंग ब्रेक डाउन फूड एंड ऑब्टेन द एनर्जी दे नीड फॉर द लिविंग एंड ग्रो. यानी रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और वो ऑक्सीजन क्या हेल्प करती है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इंटू द सिंपलर कॉम्पोनेंट्स टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव एंड ग्रो. ठीक, एनिमल एंड प्लांट रेस्पायर ऑल द टाइम बाय नाइट एंड डे. हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था. फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है. तो सनलाइट सिर्फ और सिर्फ किस टाइम पे होती है, इवनिंग के टाइम पे होती है, मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे होती है. रात के टाइम पे नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, रुक नहीं जाता है, कम हो जाता है एज कम्पेयर टू जो दिन का टाइम होता है. लेकिन रेस्पिरेशन के लिए कोई टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, डे एंड नाइट बोथ द टाइम रेस्पिरेशन अकर. रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन है दैट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. इसकी एग्जाम्पल रेस्पिरेशन की हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर जाती है और ग्लूकोज उसके साथ मिलता है, खाना टूटता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकल आती है और वाटर प्रोड्यूस होता है. वाटर किस फॉर्म में बाहर आता है, वाटर वेपर के फॉर्म में. सही है. ह्यूमन बींग एंड अदर मैमल्स टूगेदर द बर्ड्स एंड रेप्टाइल एम्फीबियन ऑब्टेन द ऑक्सीजन दे नीड फॉर द रेस्पिरेशन बाई ब्रीथिंग इन एयर थ्रू द लंग्स. जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि मैमल्स हुए, हम मैमल फोर क्लास में पढ़ चुके हैं, बर्ड्स रेप्टाइल एम्फीबियन ये सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ द लंग्स. सही है. इसके अलावा बाहर की तरफ क्या निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स को बाहर निकालेंगे. जब हम सांस बाहर निकालते हैं ना हवा, तो बेसिकली ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है. ठीक है, सारी ऑक्सीजन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, तो लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाहर आती है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में बाहर आती है. ठीक है, नॉट टॉक अबाउट द रस्टिंग. रस्टिंग इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द ऑक्सीजन इन द एयर, ऑक्सीजन जो एयर के अंदर मौजूद है, एंड आयरन. आयरन और ऑक्सीजन के दरमियान एक रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में रस्टिंग होती है. रस्टिंग क्या है, जंग लग जाना किसी भी लोहे वगैरह पर. सही है. हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं रस्टिंग को, पेंट करके, या हम उसके ऊपर ऑयलिंग कर दें, उसके ऊपर कोई ऐसी कवरिंग कर दें कि जिससे ऑक्सीजन का डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो, किससे, आयरन से. जब रस्टिंग होती है बेसिकली इट्स अ केमिकल प्रोसीजर, जब आयरन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो दैट फॉर्म द आयरन ऑक्साइड, जो आपको ऊपर ये ब्राउनिश फॉर्म में दिख रहा होता है किसी भी चीज़ में जिसपे जंग लग जाए. बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है. नेक्स्ट वन इज द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ द प्रोसेस इन विच वी नीड द ऑक्सीजन, सॉरी वी नीड द कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, इसके अंदर भी एयर यूज हो रही है. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस यूज बाय द प्लांट्स टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर इनटू द ग्लूकोज यूजिंग सनलाइट एनर्जी. क्या करते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं, हम क्या लेते हैं अपने अंदर, ऑक्सीजन को लेते हैं. प्लांट क्या लेते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपने अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है कहाँ से, धूप के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब कर लिया उसने. सनलाइट कहाँ से आ रही है, सन से मिल रही है हमें रोशनी, वो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है. सही है. अच्छा, ये प्रोसेस वो क्यों करता है, क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस बेसिकली प्लांट प्रिपेयर इट्स फूड.
प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इस वजह से प्लांट अपने अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमें जरूरत है तो प्लांट अपने अंदर से निकालेगा एज अ वेस्ट मटेरियल। ठीक, नाउ टॉक अबाउट द कम्बस्टन। कम्बस्टन बेसिकली इट्स अ बर्निंग प्रोसीजर। आपको आई थिंक याद हो, हम एक प्रैक्टिकल मैं दिखाऊंगी भी आप लोगों को कि आप लोग घर में भी इस चीज़ को ट्राई करिएगा। एक वो लिएगा कैंडल, उसको जलाइएगा, उसके ऊपर इन्वर्ट फॉर्म में यानी उल्टा करके ग्लास को रख दिएगा। ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास रखिएगा कि आपको दिखे, प्लास्टिक का ना हो, शीशे का, कि आपको उसमें से आर पार दिखे। जब आप कैंडल को जलाकर उसके ऊपर आप ग्लास उल्टा करके रख दोगे तो थोड़ी देर बाद जो कैंडल जल रही है वो बुझ जाएगी। इसके बुझने की वजह क्या है? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन ख़त्म होना शुरू हो जाती है उस गिलास में, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो नीड है बर्निंग के लिए। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सही है? तो ये बात आप एक दफ़ा घर में भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखिएगा, आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो बर्निंग के लिए रिक्वायर्ड क्या होती है? ऑक्सीजन। इसकी इक्वेशन है मीथेन ऑक्सीजन को जब हम करेंगे यानी तो वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में होगी, इसके बाय प्रोडक्ट्स है। ठीक है, एक्चुअली जो ऑक्सीजन उसके अंदर ग्लास में मौजूद होती है वो एंड हो जाती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाती है, सही है? इस वजह से आपकी कैंडल बुझ जाएगी, सही? नाउ ये प्रोसीजर है द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। इसको थोड़ा सा हमें ना समझना पड़ेगा डेप्थ में जाकर, सही है? बेसिकली डिस्टिलेशन ऑफ एयर, हम पहले हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात कर रहे थे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली इट्स अ प्रोसेस इन विच वी सेपरेट आउट सम डिफरेंट कंपाउंड्स फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इसको थोड़ा आसान लफ्जों में समझाती हूँ कि बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम एक गैस में से दूसरी गैसेस को अलग अलग कर रहे थे, एक कंपाउंड में से प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस इन द एयर, जो गैसेस एयर के अंदर मौजूद है उनकी डिफरेंट छोटी छोटी थोड़ा प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है, हमने पीछे पढ़ा था ना कंपोजिशन ऑफ एयर में कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मौजूद होती है एयर के अंदर, कितनी, कम से कम 80% मौजूद है नाइट्रोजन, सही है? नाइट्रोजन जो है वो कलरलेस गैस है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, ये जलने में हेल्प नहीं करती और ना ही किसी को जिंदगी दे रही होती है। ठीक, इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो बनाई जाती है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, जो हमने पीछे पढ़ा, सही है? ये नाइट्रोजन हेल्पफुल होती है अमोनिया बनाने में। इसके अलावा नायलॉन के जो फाइबर्स वगैरह होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, आप लोगों ने आई थिंक एड्स अक्सर देखे होंगे कि अमोनिया की खाद होती है, यानी जो फर्टिलाइजर होता है वो अमोनिया का होता है। तो बेसिकली सॉइल को फर्टाइल करने के लिए हम उसमें अक्सर नाइट्रोजन भी ऐड कर देते हैं। उसके अलावा अमोनिया इज ऑल्सो कन्वर्टेड इंटू नाइट्रिक एसिड विच इज़ यूज टू मेकिंग डाइस, एक्सप्लोजिव, फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स को बनाने में हेल्पफुल होता है, सही है? नाइट्रोजन बेसिकली हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैस, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से मोस्टली जो सर्जिकल प्रोसेस होते हैं ना, जिनमें यानी ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं, उसके अंदर हम नाइट्रोजन यूज करते हैं किसी भी टिश्यू को फुलाने के लिए, ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए उसको सही से देखने के लिए, सही है? नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा
अहम जो एलिमेंट है अर्थ का है, क्यों? क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं, यानी हर इंसान और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको यूज़ कर रहे हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। हमारी जो ओजोन लेयर है ना, वो भी ऑक्सीजन की बनी हुई है, बट उसका फॉर्मूला O3 है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना कि ओजोन लेयर हमारी पूरी प्रोटेक्ट कर रही है, हमें सनलाइट से, जो बहुत हार्मफुल रेज है सन की, उससे हमें बचाए रखती है, ठीक। ऑक्सीजन जो है ये कलरलेस गैस है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, सही है, और ये हैवियर होती है देन द एयर, और ये स्लाइटली सोल्यूबल है, यानी हल्का सा सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर। इसको भी हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू बनाते हैं, जो मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा ऑक्सीजन कहाँ कहाँ जरूरी होती है, आप लोग अपने घरों में भी एग्जाम्पल नोट करके मुझे बताइएगा। एक तो बर्निंग में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में यूज होती है, आपने देखा होगा सिलेंडर वगैरह पेशेंट को लगाते हैं ना, जब उसको शॉर्टनेस और ब्रीथ नहीं आ रही होती, उसको सांस लेने में मसला होता है, तो हम उसको ऑक्सीजन लगाते हैं, ठीक। उसके अलावा डाइविंग में हेल्पफुल होती है, जो जो कहते हैं ना पानी में जो डाइव लगाते हैं, जो डिफरेंट लोग होते हैं ना जो पानी के अंदर ओशन वगैरह में जाते हैं, तो वो लोग भी क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन लेकर जाते हैं सिलेंडर, ताकि उनको ऑक्सीजन आती रहे, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ हम बातों को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हम पीछे भी कर चुके, लेकिन यहाँ पे उसका डिस्कस करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ हेल्पफुल होती है। रस्टिंग में हम पीछे पढ़ चुके हैं, जंग लगने में, कम्बस्टन में, जलने में किसी चीज़ की, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस में पीछे बता चुकी हूँ कि फोटोसिंथेसिस में भी हेल्पफुल होती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन इज द रेस्पायरेशन, हम सांस ले रहे हैं, हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन की। नेक्स्ट वन इज द ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स क्या होती हैं? बेसिकली ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, सही है, और उनसे मिलकर एक और कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, उनको ऑक्साइड्स बोलते हैं। जैसे अगर मैग्नीशियम और हम ऑक्सीजन को आपस में मिला दें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाए, कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में मिला दें तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, सही है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नज़र में एक ऐसी गैस है जो हमारी वेस्ट है, हम उसको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही होती है? प्लांट से मिल रही होती है, और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए ऑक्सीजन अपने अंदर से बाहर निकालते हैं, तो दिस दैट्स व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड एक और अहम काम परफॉर्म कर रही होती है कि जो आपने फायर एक्सटिंग्विश देखे, जो रेड कलर के होते हैं और उसके अंदर से हम स्प्रे करते हैं, सॉरी मैं यहाँ पिक्चर लगाना भूल गई, लेकिन आपकी बुक में भी मेंशन नहीं है बेसिकली, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उसके अंदर भी फिल्ड होती है। अगर कहीं पे आग लग जाए खुदा ना खास्ता, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर मौजूद होती है, और हम उससे स्प्रे करके कार्बन डाइऑक्साइड से हम आग को बुझा सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम वो करते हैं ना, इसको यानी हीट करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, सही है। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये पहले भी आप पढ़ चुके हो, आई थिंक 5 क्लास में पढ़ा होगा आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट, या 4 क्लास में तो लाजमी। बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है कि द सन वॉर्म्स द अर्थ, सन क्या करता है, अर्थ को वार्म कर देता है, इसके अलावा कुछ गैसेस को भी वार्म कर देता है, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। तो क्या करता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में से जो हमारी अर्थ के अंदर डिफरेंट गैसेस मौजूद है ना, वो उस अर्थ सन की हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी, और हमारे जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं या हीट है सन की, उससे हमें बचा लेंगी। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, सही है। इसका फायदा हमें क्या होता है कि हमें डिफरेंट हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल रेस हमें नहीं छू पाती, और क्या होता है कि हम इससे बच जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रही है हमारी दुनिया में। किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है? डिफरेंट, जब गाड़ियों में से धुआं निकलता है, इस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है। इसके अलावा लकड़ी जलने पे, कोयला जलने पे, ऑयल्स, नेचुरल गैस, इन सबको जब हम बर्न करते हैं ना, तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अच्छी खासी हमारी उसके अंदर निकल रही है।
बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है अक्सर आपकी बुक में एक डायग्राम भी बनी हुई है, आप इसको भी देखिएगा कि एक हाउस बना हुआ उसके अंदर प्लांट्स रखे हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कि इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए भी। किस सेंस में इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लोग ने कभी अगर रोज फ्लावर उगाया हो तो रोज फ्लावर के लिए कहते हैं कि उसको साए में रखा जाता है। अगर डायरेक्ट सन की धूप धूप उस पर पड़ेगी ना तो इट्स मे बी बर्न, सही है, वो जल जाएगा, वो खराब हो जाएगा, इट्स नॉट ग्रो प्रॉपरली और माइट बी इट्स डाई। तो क्या करते हैं कि उसको शेड में रखा जाता है। इसी तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट बाकायदा तौर पे बनाया भी जाता है शीशे में करके, यानी बड़े बड़े हाउसेस बनाए जाते हैं जिनके बाहर की तरफ ग्लास बना हुआ होता है, ग्लास से पूरा वो हाउस बना हुआ होता है, उसके अंदर प्लांट्स रखे जाते हैं। ऐसे प्लांट्स रखे जाते हैं दैट आर सेंसिटिव टू द यानी डिफरेंट सन रेज, सही है, जो सेंसिटिव हो सन रेज से, तो उनको उसके अंदर रखा जाता है। आप लोग अक्सर जाके नर्सरी जो होती है जहाँ प्लांट्स मिलते हैं वहाँ का भी विजिट करोगे ना, तो उन्होंने जो इस टाइप के प्लांट्स होते हैं ना उनको ग्रीन शेड में रखा हुआ होता है। क्यों रखा हुआ होता है? क्योंकि उन पर डायरेक्ट सन की धूप ना पड़े, जब अगर उन पर लाइट डायरेक्ट पड़ेगी ना तो वो डाई हो जाते हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती उसकी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें यहाँ पे हेल्पफुल होता है। जिस तरीके से आम कहते हैं ना जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो हमारे एडल्ट कहते हैं कि भाई ये तो आम पकने का मौसम है, तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आम को वो इन्वायरमेंट चाहिए ग्रो होने के लिए, इस वजह से उसको जितनी भी धूप दी जाए दैट इज गुड फॉर मैंगो। ठीक, अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज द इनर्ट और नोबल गैसेस। इनर्ट और नोबल गैसेस का मतलब क्या होता है? आप लोग अगर इंशाल्लाह इन योर नेक्स्ट क्लासेस और इन सेकेंडरी क्लासेस यू विल स्टे अबाउट द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हमारे हमने पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसमें। तो पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस अलग होते हैं। नोबल गैसेस को हम नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैस होती है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती। इसी वजह से आप लोगों ने अक्सर जैसे आप डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाओ तो वहाँ बाहर की तरफ ओपन लिखा हुआ होगा या उस रेस्टोरेंट का नाम ही लाइट्स में लिखा हुआ होगा। तो बेसिकली उन लाइट्स के अंदर नोबल गैसेस जैसे हीलियम हुई, नियॉन हुई, आर्गन हुई, ज़िनॉन हुई, ये सब उसके अंदर गैसेस डाली जाती हैं। तो और जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना तो वो डिफरेंट कलर्स देती है। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हो हीलियम कैसा कलर दे रही है, थोड़ा सा यानी लाइट सा कलर दे रही है। नियॉन जो है एन ई जो है बेसिकली ये येलो कलर दे रही है। आर्गन जो है ये ब्लू कलर दे रही है। ज़िनॉन जो होता है वो पर्पल कलर दे रहा होता है। तो डिफरेंट कलर्स दे रही होती है, इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इसी वजह से इसको हम बहुत आराम के साथ अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह में लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और डेकोरेशन अलग हो जाएगी। सही है, यहाँ तक बात आई होप सो कि क्लियर होगी। और इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन लेक्चर्स। और ठीक है, थैंक यू।